गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी का कोच सीखने वाले हैं। आप सब पहली कक्षा में हो, हाँ, और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ कर्णिका मैडम। तो इससे पहले हमने 10 जून को कुछ ट्रेसिंग सीखा था, ट्रेस एंड राइट। उसके बाद हमने अ वर्ण की पहचान की थी। हमने कौन से वर्ण की पहचान की थी? अ वर्ण की। और अ से अनार, अलमारी, अखबार जैसे कई सारे शब्द तैयार होते हैं, ये हमने देखा था। तब आपको अब एक काम करना है। क्या करना है मालूम है? आपके पास इस तरह से नोटबुक होगी, ठीक है? तो वो ब्राउन कलर की नोटबुक होगी और उस पे इस तरह से दो लाइंस बने होंगे। तो आपको 10 तारीख यहाँ पे लिख कर यहाँ पे अ लिखना है। कौन सा वर्ण लिखना है? अ। कितने बार लिखना है वह वर्ण? 2 बार। और इसके नीचे 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 यहाँ तक आपको अ वर्ण लिखना है। इसके बाद यही होमवर्क आपके लिए होगा। यहाँ पे एच डब्ल्यू है, ठीक है? तो ये अ लिखते समय, अभी तो मैंने पेज से लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप पेंसिल का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? पेंसिल का। वेरी गुड। आज हम इससे पहले हमने अ वर्ण सीखा था, हाँ, ये बात तो आपके दिमाग में है। आप सब बहुत होशियार हो, मुझे मालूम है। तो आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले हैं आज नया? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपकी बुक होगी, हाँ, जिसका नाम है हिंदी अक्षरमाला भाग ओ। इसमें से हमने 4 और 5 पेज नंबर तो हमारा कब का कंप्लीट हो गया है, हाँ। तो आज हम पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 इसका ट्रेस एंड राइट करेंगे, यानी कि सुलेख करेंगे, ठीक है? तो बच्चों मुझे बताओ आज की तारीख कौन सी है? तो आज की तारीख है 17 जून 2020। कौन सी डेट है आज? 17 जून 2020। आप सभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो आज हम करेंगे सुलेख, करो, ट्रेस एंड राइट। और कौन से पेज पे करेंगे? पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, ठीक है? हाँ, तो ये ट्रेस पर लाइक जो हमारा ट्रेस एंड राइट है, इसमें पेज नंबर 6 पे अप एंड डाउन लाइंस दिए हुए हैं। कौन सी लाइंस दी हुई है? अप एंड डाउन। और यहाँ पे है इसके बाद डाउन एंड अप लाइन। उसके बाद पेज नंबर 7 पर कुछ कर्व दिए हैं। यहाँ पे 2 कर्व है और यहाँ पे 1 ही कर्व है, यानी कि सिंगल कर्व। और ये काम करते समय, ये लिखते समय आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? पेंसिल का। और आपके पास और एक चीज होगी, वो होगा इरेजर, हाँ, पर इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इरेजर से बार बार आप इरेजर करेंगे, इरेज करेंगे तो आपका पन्ना बेकार हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेस कैसे करना है। देखिए ये है अप लाइन और ये है डाउन। यहाँ पे कुछ डॉट डॉट दिए हुए हैं, ये आपको पेंसिल से ऐसे जोड़ने हैं। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये हमारी लाइन्स कंप्लीट हो गई, हाँ। उसके बाद हम देखेंगे डाउन अप, डाउन अप। इस तरह से आपको ये सुलेख करना है और इससे हमें वर्ण लिखने के लिए बहुत सारी मदद होगी, ठीक है? उसके बाद आता है क, ठीक है? तो ये कितने हैं? 1 और 2। कितने हैं? 2। इसके बाद हम फिर से करेंगे 1 2 1 और
वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद इसकी बारी आती है। ये भी हम पेंसिल की सहायता से ही प्रेस करेंगे। प्रेस एंड राइट, यानी कि सुलेख करो, इसका मतलब है सुलेख करो। इस तरह से हम पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। कौन सा पेज कंप्लीट करेंगे? पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। और ये जो पेज है ये आपके इस बुक में होगा, जिसका नाम है हिंदी अक्षर माला भाग अ। फिर से देखो, अच्छे से देखो, हिंदी अक्षर माला भाग अ। इसमें से हम पन्ना नंबर 6 और 7 यानी कि 6 और 7 8 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कुछ सीखेंगे।